कल की क्लास में हमने आधा इंजन तैयार कर लिया था, अब नीचे के जो शेप रह गया था उसको तैयार करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ मैं। यही था हमारा लास्ट, यस ठीक है। टॉप व्यू तो हमारा तैयार हो गया था, बॉटम व्यू से हमने स्टार्ट करना था बनाना। बॉटम में अगर आप देखोगे तो इलिप्टिकल शेप दिख रहा है, विड्थ दे रखी है 70, ये हाइट दे रखी है 80, और एटी इसमें सर्किल है ये 40 रेडियस, ठीक है। अच्छा, इसकी डिटेल कट की यहाँ पे आप देखोगे तो 13 की डेप्थ तक तो बिल्कुल स्ट्रेट गया हुआ है, उसके बाद ये कुछ टेपर शेप में कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रेट प्रोफाइल पहले क्रिएट कर लेते हैं जो कि 13 की डेप्थ में हमें दिख रही है। सो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज किया, बॉटम फेस पे क्लिक करके स्केच पे गए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक सेंटर लाइन ली, रेफरेंस लाइन, यहाँ से इस लाइन के एंड पे एक सर्कल बनाया, लाइन बनाई यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को और इस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर कर दिया, ट्रिम पे गए देन, और इन एलिमेंट को ट्रिम से उड़ा दिया। अब डिटेल इसकी डिफाइन करते हैं। रेडियस दे रखा है हमें 40 का है, एक लाइन से दूसरी लाइन का गैप 70 का है, और चीज और डिफाइन एटी करने के लिए यहाँ से इसकी गैपिंग अगर आप देखोगे तो 62 का है, तो ये गैप हमने दे दिया 62 का, ठीक है। इतना तैयार हो गया हमारा, इसको एग्जिट किया और इसको एक्सेलेंट हमने फीचर पे जाके कट किया अंदर की तरफ 13 डेप्थ पे स्ट्रेट। इसके बाद का जो शेप है वो शेप क्या हो रहा है हमारा, थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड आ रहा है उसमें, ये देख रहे हैं ना, स्लोप टाइप का आ रहा है। ऊपर वाला सेक्शन ड्राइंग अगर आप इसकी देखोगे तो यहाँ पे ये स्ट्रेट 13 तक बनाया, अब ये आर्च शेप में ये दिखा रहा है अपने। अब इस शेप को बनाने के लिए क्या करना है हमने, मैंने इस फेस को ऑफसेट किया, प्लेन बनाया इसके सेंटर पे जो कि 62 पे था, रिवर्स ऑफसेट, इस प्लेन पे स्केच पे गए, यहाँ से हमने इनर हिडन व्यू ऑन किया, लाइन कमांड पे गए, ट्रेपेज़ॉइडल शेप बना दिया यहाँ से, एग्जिट किया, वापस से सॉलिड व्यू ऑन कर लिया। ये ट्रायंगुलर शेप ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस वाले में, हम देखो ये ट्रायंगल सेम शेप शेप बनाया हमने, ठीक है। डिफाइन अपने आप ही हो गया, एंड टू एंड ये भी डिफाइन था, ये भी डिफाइन था, ट्रेपेज़ॉइडल शेप बना दिया। अब लेकिन इसको कट जब मैं करूँगा तो स्ट्रेट कट नहीं करना है, मैंने यहाँ से क्या किया, अप टू सरफेस पे गया और सरफेस मैंने ये वाला दिया, तो अब देखोगे ऐसे आर्च शेप में जा रहा है, यहीं से डायरेक्शन टू को ऑन किया और इसको भी अप टू सरफेस पे जाके सरफेस को सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। देखो ये कट आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको पहले चेक करते हैं कि प्रॉपर आया भी है नहीं आया, तो सेक्शन कट पे गया, ओके किया, कंट्रोल एड किया यहाँ से, इसके अबाउट कंट्रोल एड किया, यहाँ से देखो ये स्ट्रेट आया, फिर सेम थिंग उसके बाद ये आर्च शेप में कन्वर्ट हुआ, क्या यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है, स्ट्रेट आया, फिर ये आर्च में ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, सेक्शन को ऑफ किया, अब इसमें क्या करना है, वो पोल बनाने हैं मैंने फोल्ड किया, तो वापस से प्लेन, इसी प्लेन पे स्केच पे गए, अगेन वायर फ्रेम मोड ऑन किया, आर कमांड पे गए, मैनिफोल्ड के होल कैसे हैं वो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें दिखा रखे हैं हमें, ये आर्क शेप में जा रहा है, रेडियस 70 का दे रखा है, इस पे जो डायमीटर है वो दे रखा है 515 का, 15 डायमीटर का सर दे रखा है। तो मैंने आर्क पे गया, इसके मिडल से आर्क नहीं लिएगा क्योंकि फिक्स हो गया आएगा, तो कहीं और से ले लो, यहाँ पे भी इसके मिडल पे नहीं रखेंगे, कहीं और पर रखा है, इसको ड्रॉप कर दिया, डिफाइन किया भाई इसका रेडियस दे रखा है हमें 70 का, इसके एंड से यहाँ तक का गैप दे रखा है 20 का, ठीक है।
इसके एंड से सेंटर तक का गैप दे रखा है 80 का। एग्जिट किया हमने। अब हमने क्या किया, यहाँ से रेफरेंस ज्योमेट्री पे गए, प्लेन पे गए, इस कर्व और सॉरी प्लेन में इस कर्व के नॉर्मल इस पॉइंट पे प्लेन बनाया, ओके किया, इस प्लेन पे सर्कल बनाया, स्केच पे गए। अब क्योंकि मैंने सेंटर बनाया, सर्कल जो है वो दोनों लेफ्ट और राइट बने हुए हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ये ठीक है। इन सर्कल के बीच की दूरी कितनी है वो यहाँ पे दिखा रखा है। ये वेल्व का जो होल आएगा दे रखा 30 का है सेंटर टू सेंटर, तो यानी कि इसका भी गैप सेंटर टू सेंटर कितना होगा, वही 30 होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक सेंटर लाइन ली, वर्टिकल में एक सेंटर लाइन ली, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे सर्कल बनाया, इस सर्कल को लाइन के अबाउट मिरर कर दिया हमने, कंट्रोल हिट किया, सर्कल को डिफाइन किया, सर्कल को डाया दे रखा है 15 का है, और सेंटर टू सेंटर गैप हमें दे रखा है कितने का, 30 का। एग्जिट किया, नहीं इस सर्कल को इस पाथ के अबाउट कट करना है, स्वेप कट, प्रोफाइल बना दी, स्केच सेलेक्ट कर दिया, ओके ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इस प्लेन ये वाले प्लेन के रेस्पेक्ट में सेक्शन कट करिए और इसको डिस्टेंस दे दिया आप 15 की, और अब देखो ये आ गया हमारा। अब अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो इसमें एक चीज रह गई, ये वेल्व के लिए होल जो कि कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। इस होल की डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 30, ठीक है, और नीचे 13 की, 13 की तो सच कोई वो नहीं आएगी, इसकी डिस्टेंस हम दे देंगे। दूसरी चीज क्या है, और आपको एक चीज जो दूसरी दी हुई है, इस होल का डायमीटर वो यहाँ दिखा रखा है, यहाँ लिखा हुआ है ना 16 होल्स ऑफ 5 5 5 डायमीटर। तो ये देने बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, हम इसी प्लेन पे वापस से स्केच पे चलते हैं, यहाँ से इनर व्यू वापस से ऑन किया, लाइन पे गए, डिस्टेंस देखिए कहाँ से दे रखी है भाई, 30 की डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है। तो हमने यहाँ से नीचे की तरफ एक लाइन बना दी, ठीक है, या ऊपर की तरफ कहीं भी बना सकते हो, नीचे ऊपर आपकी मर्जी। इस पॉइंट का इस सेंटर से गैप दे दो, पहले तो 30 दिया हुआ था ये, दूसरा इस लाइन का इस लाइन से एंगल दे रखा है हमने 60 डिग्री का, वो भी बना दिया हमने। ऊपर की हाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी लाइन हाइट कितनी भी दे दो ऊपर। एग्जिट किया मैंने, अब वापस से मैंने क्या किया, रेफरेंस पे जाके प्लेन बनाया इस लाइन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे, क्योंकि ये तो मिडिल पे, मिडिल पे होल नहीं करना मुझे, लेफ्ट और राइट में करना है, तो मैंने उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बना दिया। अब इस प्लेन पे स्केच पे चले गए, यहाँ से सॉलिड व्यू कर दिया वापस से, सेंट्रल लाइन ली एक, एक सर्कल इधर बनाया, इस सर्कल को इसके अबाउट मिरर किया, डायमीटर दिया हमने 5 का, सर्कल के सेंटर टू सर्कल टू सेंटर का डिस्टेंस वही सेम शायद आ रहा 30 का, कौन आ रहा सर? कुछ देर के लिए तो मतलब ऐसे वो नहीं होता बागों में। सो हमने बना लिया इतना होल के लिए, ये होल है किस चीज के लिए,
आजम सही है, उसके लिए बना रहा है ना, वेल्व के लिए, वेल्व के लिए इनलेट और आउटलेट मैनिफोल्ड हाँ को होल्ड अप करने के लिए। तो हमने सर्कल बनाया, इसको हम नॉर्मल एक्सट्रूड कट करते हैं अप टू नेक्स्ट और ओके किया। अब आप इसको टॉप व्यू से देख लो, ये वही दो होल एलोंगेटेड में दिख रहे हैं। वापस से कंट्रोल एंड मारा बॉटम में, अच्छा लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, होल बन गए लेफ्ट साइड और बनने तो राइट साइड, कोई बात नहीं। मैं होल को, हाँ अभी करते हैं, होल करने से पहले इसको हम मिरर कर देते हैं फीचर को राइट प्लेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अब इनको एक्सपेंड कर देते हैं, अब ये वाले होल को भी मिरर कर देते हैं राइट प्लेन के रेस्पेक्ट में, ओके कर देते हैं, बन गया, प्लेन को हाइड कर देते हैं। तो अब देखो इसी टाइप से आपको होल के अंदर एक स्मॉलर होल आता हुआ दिखेगा यहाँ पे बॉटम व्यू में, जो कि ये देख रहे हैं हमारा आ गया ये, ठीक है। अब इसको बस क्या कर देना है हमने, ये मिरर, ये वाला होल, ये मिरर, ये कट, एक्सट्रूड कट, ये इन सारे फीचर्स को सेलेक्ट करना है रिब तक, सेलेक्ट हो गए इन सब फीचर को, लीनियर पैटर्न पे गए, डायरेक्शन पे जाके मैंने ये फेस दिया, या तो आप एज दे दो, फेस दोगे तो उसके परपेंडिकुलर लेगा, एज दोगे तो उसकी रेस्पेक्ट में ले लेगा। गैपिंग बताइए आपने, यहाँ से 86 का गैप है, 4 एलिमेंट है, आपने ओके कर देना। और देखो आपका सिलेंडर हेड कंप्लीट रेडी हो गया, ठीक है। आप इसका चाहो तो सेक्शन कट करके चेक कर लो, मुझे कैसे करना था चाहिए, डिस्टेंस मैंने 0 कर दिया, ओके किया, कंट्रोल फिट आया। अब देखो ऐसे ही दिख रहा है हमें यहाँ पे ऊपर वाले में, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जी जो गैपिंग आ रही है ना, सही तक आ रही है, हाँ जी ठीक है। सो सब पुराना वाला किसने बनाया था, मैंने इसके थे तभी तो सर, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट ठीक है। नहीं मैंने कम से कम ड्राइंग तो आई थी मेरे पास ये बनने के लिए, हाँ तो उसको इस पार्ट को कम से कम 25,000 बनाया था मैंने, तब जाके एग्जिट आया था, वही तो हमें भी टाइम लगेगा सर परफेक्ट जी, इंशाल्लाह हो जाएंगे प्रैक्टिस, लेकिन हमें सर फिर भी इजी है सर, हमें इतनी इजी है ना, क्योंकि आपने बना के दिखा दिया ना जी आपने।